हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रिस्टेस सैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। आज 13 मार्च 2022, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आज के दिन? आपके लिए यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है? आपके लिए क्या जानना इम्पोर्टेंट है? आपका दिन कैसा जा सकता है आज? एंड ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। यहाँ पे कोई भी जोडियाक साइन वगैरह इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो इस रीडिंग के एंड में आपको देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, सो ओवरऑल आज का जो एनर्जी है आपके लिए कलेक्टिव, आई सी हियर दैट आज कुछ लोग आप एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपने पास्ट रिलेटेड किसी चीज़ को ठीक कर पाओ। हो सकता है पास्ट रिलेटेड कोई फ्रेंडशिप, कोई कनेक्शन, कोई जॉब, कोई फाइनेंशियल सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन, बट आपके पास्ट से कुछ है जो आप सॉल्व करना चाहते हो, आप ठीक करना चाहते हो या आप काइंड ऑफ बैलेंस करना चाहते हो। एंड ये कोई मामूली चीज़ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम हो या इशू हो, ये कुछ छोटा मोटा इशू भी हो सकता है। आई ऑल्सो फील हियर दैट आज पास्ट से कुछ एक्शन आ सकता है। कोई पुराना फ्रेंड, कोई पुराना पार्टनर, कोई पुराना फैमिली मेम्बर जिसके साथ मे बी आपका थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहा है पास्ट में, या मे बी जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो दैट ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या हो रहा है। आई सी धीरे धीरे या तो आप या तो ये पर्सन एक्शन लेंगे एक दूसरे की तरफ, बिकॉज पास्ट से रिलेटेड कोई एक कॉन्फ्लिक्ट, कोई एक ड्रामा है जो फिर से ठीक हो सकता है, फिर से क्लियर आउट हो सकता है, फिर से सेटल हो सकता है। ऑल्सो आज आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो अपने हेल्थ पे या अपने लुक्स पे, अपने स्टाइल पे। मे बी आप बहुत अच्छा कपड़े पहन रहे हो, मे बी आप बहुत आप बहुत अच्छा सेल्फ केयर कर रहे हो। यू आर डूइंग समथिंग विथ योर लुक्स, विद द वे यू लुक, जो आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग बना रहा है दूसरे लोगों के लिए। आपके वर्क सिचुएशन में या फाइनेंशियल सिचुएशन में आई डेफिनेटली सी दैट आज आपको बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड कोऑपरेशन। सो ये फाइनेंसेस चाहे आपके फैमिली में हो या आप इसको कमा रहे हो, आपका जॉब, बिजनेस, व्हाटएवर, या आपका पढ़ाई लिखाई, एडुकेशन, आई सी हियर दैट आज आपको किसी टाइप का हेल्प मिल सकता है जो हेल्प आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। या तो आप इस पर्सन से हेल्प एक्सपेक्ट नहीं करते हो या फिर इन जनरल सडनली आपको इतना अच्छा हेल्प मिल जाएगा, इतना अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे वो आपके फैमिली से हो, आपके प्रोफेसर से हो, आपके बॉस से हो, फर्क नहीं पड़ता है। बट कोई ऐसा हेल्प या कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो सडनली आए, जो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग हो एंड जो ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो आप लोगों के लिए। आई सी कुछ लोग आज आपके सामने एक ऑप्शन हो सकता है कि आप वो करो जो आप हर रोज़ करते हो, जो रूटीन है, जो लाइक आपका दिमाग कहता है, एंड ऑल्सो आप वो करो जो आपका पैशन है, जो आपका हॉबी है। आई सी आज आप बहुत कुछ एक साथ परस्यू कर रहे हो या परस्यू करने के बारे में सोच रहे हो, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा कुछ हॉबी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, या आप इस हॉबी को परस्यू करना चाहते हो एज अ प्रोफेशन में भी। आज आपके सेविंग्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं या आज आप काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो किसी फैमिली सिचुएशन पे। लाइक आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन से खुश हो, आप अपने ओवरऑल करियर सिचुएशन से आज के दिन खुश हो। आज में भी आप बहुत कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो, बट एटलीस्ट आपके अंदर वो सेटिस्फैक्शन है कि आप
कोशिश कर रहे हो, आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो. एंड कुछ लोगों को डेफिनेटली किसी टाइप का हिंट मिल सकता है अपने यूनिवर्स से या कहीं से भी. मे बी आप नंबर्स देखो, मे बी आप कुछ देखो जो आपको ये यकीन दिलाएगा दैट यू नो आप सही डायरेक्शन में हो, लाइफ में आप सही जा रहे हो एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. आपके लव एंड इमोशनल सिचुएशन में व्हाट आई सी हियर इज कलेक्टिव आज काइंड ऑफ कोई किसी को इग्नोर कर सकता है, कोई किसी के मैसेज को, कोई किसी के कॉल को, कोई किसी के कम्युनिकेशन को ज़्यादा सीरियसली ना ले, इग्नोर करे. एंड जो भी पर्सन इग्नोर कर रहे हैं वो इसलिए बिकॉज वो पर्सन नाराज़ है. सो हो सकता है कि आप किसी को टेक्स्ट या कॉल करें एंड वो पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो, देन जानना दैट वो पर्सन अभी भी किसी बात में नाराज़ है, वो पर्सन अभी भी उस नेगेटिव फीलिंग्स को अपने मन से हटा नहीं पाए. एंड सिमिलरली अगर आप ऐसा कर रहे हो बिकॉज आप किसी पे नाराज़ हो, मे बी आप आज किसी का कॉल, टेक्स्ट या कम्युनिकेशन को इग्नोर करो, ब्लॉक करो, जो भी है, ठीक है. आई ऑल्सो फील सम ऑफ यू आपके ऑप्शंस ओपन हैं या आपको कहीं से ऑप्शंस मिल सकते हैं इस वक्त या आज, बिकॉज आई सी दैट बहुत सारे लोग या एटलीस्ट कोई एक जन ऐसा है एंड ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, न्यू पर्सन होने के चांसेस ज़्यादा है जो आपके साथ कुछ शुरू करना चाहते हैं, जो आपके साथ काइंड ऑफ एक फ्रेंडशिप या फिर एक रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, समथिंग लाइक किसी बात पे ये पर्सन इंटरेस्टेड है आपके ऊपर. सो आई फील दैट ये पर्सन आपके लाइफ में अगर ऑलरेडी नहीं है, ये आज के दिन या बहुत ही जल्दी आ सकती है. एंड ये न्यू पर्सन होने के चांसेस ज़्यादा है, बट ओल्ड पर्सन भी हो सकते हैं. बट आई सी दैट कुछ एक एक्शन है आज, चाहे वो आप ले रहे हो या ये न्यू पर्सन ले रहे हैं या ओल्ड पर्सन ले रहे हैं, बट जो भी है आई सी एक्शन. बट कोई एक पर्सन है इस सिचुएशन में, पूरे सिनेरियो में, जो बहुत ही ज़्यादा रूड है, जो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है, जो सिचुएशन को समझना नहीं चाहता, जो सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहता, चाहे वो आप हो या आपके पर्सन. सो जब तक आप श्योर नहीं हो, आप बेटर है कि आप इस चीज़ को फोर्स ना करो, कंट्रोल ना करो, बिकॉज आई सी बहुत लोगों के लिए आपके पर्सन शायद रेडी नहीं है. एंड जो लोग न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, आई सी दैट ये पर्सन आ गए हैं या आने वाले हैं बहुत जल्द. एंड ये पर्सन का जो इंटेंशन है दैट इज़ टू स्टार्ट समथिंग विद यू, कुछ नया शुरू करना है, कुछ नया रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप रखना है आपके साथ. सो वो आपका डिसीजन है, आप कैसे क्या करोगे, हाउ विल यू हैंडल द सिचुएशन. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. थैंक यू सो मच कलेक्टिव एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आपका दिन बहुत अच्छे से बीते. गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, टेक केयर. मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में.